श्वेत मॉडल की पुस्तक सफलता की कुंजी अपने को पहचानने का अगला नियम मृत तृष्णा। आप दर्पण में अपना चेहरा रोज झांक कर देखते हैं। एक बार अपने अंतकरण में झांक कर देखिए, आपको सभी कुछ वहां नजर आएगा। यह सफलता जो कि आपसे दूर भाग गई है आपके कदम चुमेगी, सब वहां नजर आएगा। आपके अंतर्मन में सृष्टि के तमाम पदार्थ छिपे हैं। आपको क्या चाहिए सब मिलेगा। कोशिश तो कीजिए। अपने बचपन में सुनी गई एक कहानी आपको बतलाता हूं। किसी पर्वत की चोटी पर एक निर्धन बालक एक जीर्ण कुटीर में रहता था। वहां रहने के बावजूद उसके स्वप्न स्वर्णिम थे। हर सुबह वह अपने कुटिया से सूर्योदय की मनोहर छटा को देखकर सुनहरे सपने बनाए करता था। इसी प्रकार सूर्योदय के समय की लाली देखकर पश्चिम की दिशा में भी एक स्वर्ण मंडल देखा करता था। एक ओर अपनी निर्धनता को देखकर और दूसरी ओर अपनी कल्पना के स्वर्णिम महलों को देखकर वह उद्विग्न रहने लगा। स्वर्ण महल में रहने की उसकी लालसा उसे लगा। आकाश में बना स्वर्ण महल बार बार उसे अपने पास बुला रहा है। वह महल एकदम खाली पड़ा है। उसमें सरलता से वह रह सकता है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरा होने से पहले ही वह उस ओर चल पड़ा। एक दिन अनेक बाधाएं पार कर जब वह घाटी में गया तो सूर्योदय का समय हो चुका था। उसके सामने एक टूटी फूटी कुटिया थी जिसमें जंजीर द्वार व खिड़कियां लगी थी। चलते चलते लंबी यात्रा के कारण वह थक गया था। उसे प्यास लगी थी। उसका बुरा हाल था। वह फूट फूट कर रोने लगा। स्वर्ण महल में रहने का उसका सपना टूट गया था। बहुत देर तक रोने के बाद उसको कुछ चमकता सा दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा, वो उसकी ही झोपड़ी थी जो स्वर्ण महल से चमक रही थी। वह खुशी खुशी वापस लौट आया। अपनी ही झोपड़ी उसे स्वर्ण महल लगी। प्रत्येक चमकती वस्तु सोना नहीं होती। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। इस प्रकार की कहावतें जीवन का अर्थ पेश करती हैं। यह सब कहानी कहावतें मृग तृष्णा की ओर संकेत करती है। प्रायः संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी मृग तृष्णा में लगा इसी भोले बालक के समान दूर से स्वर्ण महल के सपने देखता रहता है। वह सोचता है कि किसी न किसी दिन अपनी आशा आकांक्षा के स्वर्ण महल तक पहुंचने पर वह सफल हो जाएगा। इस बात का उसे विश्वास रहता है कि वह ऐसा चमत्कार करेगा कि स्वर्ण महल उसका होकर रहेगा। इसके बावजूद आज तक दूर से चमकने वाले इस प्रकार के स्वर्ण महल को कोई नहीं पा सका है। संसार में ऐसे अनगिनत मनुष्य हैं जो अपने जीवन में निराश होकर पड़े हैं क्योंकि वह अपने सपनों के अनुकूल स्वर्ण महल को नहीं पा सके हैं। होता यह है कि ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों महल उनसे दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से चमकने वाली बालू की प्रतिबिंबता हिरण को आकर्षित करती है कि वहां पर जल ही जल है, पर पास जाने पर सिर्फ बालू ही मिलती है और जल दूर दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार की दशा इस प्रकार के मनुष्यों की हो गई है। हमारे साथ एक कठिनाई और है। हम अपने वर्तमान से कभी भी सुखी संतुष्ट और आनंदित नहीं होते हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण यही है। मानव किसी महान अवसर अद्भुत सिद्धि किसी बड़े भारी काम या चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार वह भविष्य के झूठे सपनों में खोया वर्तमान के सुख सौंदर्य तथा आनंद को भुला देता है। डॉक्टर फ्रैंक क्रेन का निष्कर्ष है कि ऐसे लोग कभी सुख नहीं पा सकते हैं। उनके पास जो कुछ है जब वो उससे ही सुखी नहीं है और जो उनके पास नहीं है उसके लिए बुरी तरह लालायित हैं, तो भला क्या सुख पा सकेंगे। अपने मनोनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम बराबर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। कल तक जिसके लिए हमने कठोर परिश्रम किया
आज उसे पाकर हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, उससे हमारी रुचि हट जाती है, फिर किसी अन्य की ओर हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। जब हम पा लेते हैं तो इससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी कामना कभी लुप्त नहीं होती। एक दार्शनिक का कथन है कि प्रसन्नता मनुष्य की परछाई के समान है, इसके पीछे भागो तो यह आगे आगे भागती दिखेगी, और अगर मुंह मोड़ लो तो वह पीछे पीछे भागने लगती है। कामनाओं की पूर्ति से कभी आत्मिक सुख नहीं मिलता, सुख तो आत्मा के संतोष में है। तो दोस्तों, ये था सफलता की कुंजी, अपने को पहचानने का जो नियम था, मृत तृष्णा।